हेलो एंड वेलकम आप सबका स्वागत है इस वीडियो में आज हम मिल रहे हैं विवेक कुमार जी से जो दरभंगा बिहार से हैं विवेक जी ने इंजीनियरिंग की है जॉब कर रहे थे एस बैंक में नौकरी के लिए एग्जाम्स दे रहे थे लेकिन तभी उनकी जिंदगी में अचानक से कोविड ने बहुत परेशानी खड़ी कर दी लॉकडाउन हो गया अब विवेक जी ने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद फुल टाइम वेबसाइट बिल्डिंग कर रहे हैं एस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं यह स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है क्योंकि दरभंगा बिहार के कोने से आने वाला एक सर्वसाधारण व्यक्ति आज डिजिटल मार्केटिंग सीख कर महीना चालीस से पचास हजार रुपए कमा रहा है 500 डॉलर एफिलिएट इनकम और गूगल एड से कमा चुका है पचास से ज्यादा क्लाइंट्स हो चुके हैं और पिछले नौ महीनों में चार लाख से ज्यादा कमा चुका है डिजिटल मार्केटिंग से एक आम इंसान की जिंदगी कैसे बदल जाती है इसका जीता जाता एग्जाम्पल है विवेक कुमार जी आइए मिलते हैं विवेक कुमार जी से विवेक जी नमस्ते आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में हमारा सौभाग्य है कि हम आपका आज इंटरव्यू कर पा रहे हैं विवेक जी हमारे सारे व्यूअर्स आज जानना चाहते हैं आपकी कहानी आप ही की जुबानी तो हमें बताइए कि डिजिटल आजादी या डिजिटल मार्केटिंग आपकी जिंदगी में आने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी सर बिल्कुल साधारण थी और हम तैयारी करने में लगे हुए थे एस बी आई की और दो बार हम एस बी आई का पी ओ और क्लर्क दोनों एग्जाम निकाल चुके थे लेकिन बस किसी कारण हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए और मेरा एक बेटल था हम दूसरे का पैसा काउंट नहीं कर पाए और अपना पैसा आज हम काउंट करते हैं क्या बात है विवेक जी बहुत अच्छे तो आपकी फैमिली लाइफ कैसी है बिहार में में आप किस तरह फैमिली 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 से आते हैं आपके फैमिली में सर, क्या होते हैं आपके क्या होते है जिसमें पापा टीचर है okay. और मम्मी हाल में ही उप प्रमुख बनी है वाओ वेरी गुड जी मेरे चाचा जी है जो एक दुकान चलाते हैं नाई की दुकान है अपना और हमसे जो छोटा भाई है वो स्टूडियो चलाता है ओके ओके तो विवेक जी आपने जो इंजीनियरिंग की वो किस फील्ड में की इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में की सर और उसमें आपने आगे करियर नहीं बनाया आ, सर जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम प्लेसमेंट मुझे मिल गया था अच्छा तो वहाँ हम दो साल जॉब किए थे और पिताजी का कहना था से तुम लीडर बनो इस तो फील्ड में जाओ तो तुम्हारे पीछे दस लोग रहे वेरी गुड तो लीडरशिप पिताजी से सीखे थे और लीडरशिप करने के बाद वहाँ के रूप में थे भी भी मैनेजर बन गए थे। ओके। okay. लेकिन हुआ क्या उसी टाइम मेरी शादी की बात चल रही थी। अच्छा। तो शादी होने के बाद हुआ क्या नवंबर नहीं शादी से पहले की बात है नवंबर वहाँ चल रहा था uh -huh. और हम दस दिन के लिए घर चले आए थे ओके okay. और यहाँ से वापस जब गए तो मुझे दस दिन की सैलरी नहीं मिली मुझे ओके okay. तो बस ये दिमाग में आ गया यार आज हम अकेले हैं तो दस दिन की सैलरी कट कटते जी कल शादी हो जाएगी तो फिर हम कैसे चलाएंगे अपना लाइफ घर कैसे चलाएंगे तो इसलिए अच्छा है अभी भी एज है तीन साल चार साल तैयारी करने का क्यों नहीं हम तैयारी करें सही है तो हम जॉब उसी टाइम छोड़ दिए थे और पिताजी मेरे परिवार काफी सपोर्ट करते हैं अभी भी काफी सपोर्ट करते हैं ओके तो पिताजी बोले अगर तुमको लग रहा है तैयारी कर सकते हो तो छोड़ दो जो भी खर्च है हम देने के लिए तैयार है आ जाओ ओके okay. और इस पॉइंट तक तो, आपकी शादी नहीं हुई थी नहीं, उस टाइम शादी नहीं हुई थी ओके okay, फिर आप घर चले आए नहीं तो उस टाइम भोपाल हम चले गए थे फिर okay. हम इंदौर में में जॉब कर रहे थे जी। तो भोपाल अच्छा। तो भोपाल शिफ्ट हो गए पांच साल हम रहे थे तो मुझे पता है कहा क्या चीज है ओके okay. तो भोपाल में रहते हम तैयारी करने लगे एस के बैंक में नौकरी की तैयारी करने लगे यस सर यस बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे थे ओके और उसमें आपने कुछ एग्जाम्स भी दिए सर तो हम दो एग्जाम दिए चार एग्जाम टोटल दिए थे okay. तो पहला एग्जाम में का प्री निकल गया था अच्छा मेंस भी दे दिए मेंस देने के बाद काफी खुशी हुई से यार अब तो नौकरी लग जाएगी अच्छा तो बस किसी कारण इंटरव्यू हम नहीं निकल पाए अब अच्छा. इंटरव्यू नहीं निकल पाए तो फिर अगला राउंड था मतलब प्रत्येक साल आती है वैकेंसी तो अगले साल का इंतजार करने लगे और इसी बीच में और आईबीपीएस का भी एग्जाम दिए अच्छा। बी पी नहीं निकल पाया हमसे लेकिन जिन जहाँ हम पढ़ रहे थे वो सर बोले क्या अगर कोई बात नहीं अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं भी निकल रहा है तो तो टीचर बन सकते हो अच्छा तुम आओ मेरे हाँ पढ़ाओ सही एज अ गेस्ट टीचर के रूप में हम पढ़ाए तो पढ़ाने में सर मुझे मन नहीं लग रहा था अच्छा सच्चाई ये है मुझे पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था मुझे आता था नॉलेज काफी थी पढ़ाते थे और पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था वहाँ से हम छोड़ दिए अच्छा के बाद हम सोचे घर चले जाए घर से भी तैयारी करें और वहीं पे छोटे छोटे भाई लोग हैं और मतलब गांव में ही पढ़ाई कोचिंग और वहीं से एग्जाम दे गांव आए तो गांव की स्थिति काफी कमजोर कमजोर थी अच्छा आ, आ, इन सेंस सो आ, लोग सोच रहे यार इंजीनियर करके है ना घर पे कोचिंग पढ़ाता है ओके लेकिन मेरी, मेरा मायन था यार कोचिंग पढ़ाना भी गलत थोड़ी है सिर्फ कुछ नॉलेज नॉलेज सीख रहे हैं और हम आगे तैयारी भी कर रहे हैं नॉलेज और गेन करने के लिए हम स्कूल ज्वाइन किए अच्छा। एक हमारे सर का है मॉडर्न इंग्लिश अकेडमी तो वहाँ पढ़ाने के लिए चले गए ओके और पढ़ाते पढ़ाते फिर आ, सोचे यार लॉकडाउन लग गया अब क्या किया जाए क्या किया जाए स्कूल भी बंद हो गया तो मुसीबत में हमने एक हम अवसर ढूंढ रहे थे आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे हम काफी उसी बीच वो डेट मुझे याद है उन्नीस फरवरी अच्छा आपका एक वेबिनार हम अटेंड किए थे और वेबिनार में उस रात में हम पेमेंट नहीं कर पाए थे सुबह होकर हम आपका पेमेंट किए थे और उसमें करीब अलग अलग कैटेगरी हुआ था जिसमें सिर्फ वेबसाइट बनाना हम थे अच्छा और उस टाइम मेरे पास सर दो हजार भी नहीं था ताकि हम होस्टिंग और डोमेन ली तो हम लोकल होस्ट पे ही वेबसाइट बनाना सीखे और बनाने के बाद किसी तरह एक डोमेन लिए एक होस्टिंग लिए और उसी पे लगभग अलग अलग कैटेगरी का हम वेबसाइट बनाए वेबसाइट बनाने के बाद हम फाइबर पे अकाउंट बनाए वहाँ लगभग दस दिन के बाद एक क्लाइंट आया फाइवर यानी कि जो फ्रीलांसिंग के आपको जॉब्स मिलते हैं वो वाली वेबसाइट है वहाँ पे आपने अकाउंट बनाया और दस दिन आपका प्रोफाइल होने के बाद आपको पहला क्लाइंट मिला पहला क्लाइंट मिला पहला क्लाइंट मिला तो मेरे माइंड में था यार ये क्लाइंट है ना फ्री में क्यों ना काम करवाए लेकिन हम इसको छोड़ना नहीं चाहते है सही है तो ऐसी कंसेप्ट में था तो यार कुछ भी पैसा मध्य सिर्फ हमसे काम करवाइंट जाएगी नहीं मेरे माइंड में ये था इस पैसा कमाना नहीं था खुश रहे वो ऐसा दिमाग में था काम किए और करीबन उनका वेबसाइट हम तीन दिन टाइम लगाए और मुझे संतुष्टि नहीं लग रहा था यारेबसाइट हम अच्छा बनाया जैसे देखा तो काफी खुश हुआ वो और मुझे काफी खुशी हुई नहीं हम वेबसाइट बना सकते हैं और वही क्लाइंट मुझे एक और क्लाइंट मुझे दिलाया रेफरल यानी एक क्लाइंट मिला फिर उसी ने रेफरेंस देके दूसरा क्लाइंट दिलवाया दूसरा बनवा दिया okay. ये करीबन इस दोनों का अंतराल करीबन दस दिन का था दस बारह okay. दिन का ओके okay. okay. और ऐसे कर करके करीबन मेरे पास लगभग फाइबर से दस क्लाइंट आया और दस क्लाइंट ही मेरे बिहार में ही सारा वेबसाइट है बिहार का ही बनाया है जिसमें दो क्लाइंट कनाडा का है आप दरभंगा बिहार में बैठ के, के क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे वहीं से दो तीन क्लाइंट और मिल गया फिर जब बिहार में एंट्री किए तो बिहार में एक, एक वेबसाइट न्यूज चैनल है सी ट्वेंटी फोर ओके वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना के अपना काम करते थे तो किसी तरह वो हमसे कांटेक्ट किए किया मुझे वेबसाइट बनवानी है है ठीक अच्छा, हो बनवा तो उनका वेबसाइट करीबन हम दस पंद्रह बनाए थे अच्छा तो न्यूज का वेबसाइट था और मुझे मतलब काफी प्लॉगिंग वगैरह सब खरीदना भी पड़ा कुछ कुछ पेड भी था कुछ फ्री भी था ऐसे करके बहुत अच्छा बना दिए और वो क्लाइंट इतना खुश हुआ उसी के रेफर से मेरे पास न्यूज का वेबसाइट बारह क्या बात है विवेक जी आपकी स्टोरी सच में इंस्पिरेशनल है और मुझे एक बात यहाँ पर पूछनी है कि ये जो वेबसाइट बनाना आपने पूरा सीखा ये सारा आपने डिजिटल आजादी के वेबसाइट शस्त्र से सीख कर प्रैक्टिस करके आपने उसे मतलब उसमें मास्टरी डिजिटल आजादी का मुझे मूल मंत्र तीन अभी भी याद और और, है हाँ? सिर्फ अभी तक एक साल हो गया एक साल में हम चार ही कोर्स हम देखे हैं और चार okay. कोर्स में मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आगे देखने का क्योंकि तो पैसा आने लगी <laughs> यानी आपने मैं, मैंने आपको जितने कोर्सेज दिए उसमें से सिर्फ चार कोर्सेज देखे हैं और उसी से आपका इनकम शुरू हो गया यस यस सर सर और अभी समय नहीं मिल रहा है कोर्सेज कंप्लीट कम्प्लीट करना हाँ क्योंकि देख रहे फेसबुक पर फेसबुक सीखना है इंस्टाग्राम भी सीखना है तो यार अकेले हम कितना काम करें इतना ही क्लाइंट भरा हुआ है तो आगे कहाँ जाए बस इतना ही मेरे लिए काफी है और इसी में काफी मन लग रहा है क्या बात है विवेक जी मुझे बताइए कि अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके फाइनेंसेस कैसे हैं इनकम्स कैसे हो रही हैं पैसा कहाँ से कितना आ रहा है एक थोड़ा सा अगर आप बता सके थे. सर वेबसाइट का हम नॉर्मली चार्ज लेते हैं सब कैटेगरी का है तो न्यूज का थोड़ा सा महंगा है और बाकी नॉर्मल का मतलब सिंगल पेज या डबल पेज का थोड़ा कम है तो वहां से इनकम आ जाती है एस का करीबन चार पाँच ऐसा वेबसाइट जो मंथली बेसिस पे हम काम करते हैं ओके okay. मतलब एक प्रकार से समझिए वो मंथली बेसिस हमको पैसा कुछ दे रहा है बोला मंथली में तुम्हारा तुम्ही को देखना है हम कुछ नहीं करेंगे सही है वहां से इनकम आ जाती है एफिलेट का है मेरा खुद का है एफिलेट करते हैं जो जेवी जो और वॉरियर प्लस का है okay. और वो भी पूरा ऑर्गेनिक है आज तक हम पेट एड नहीं चलाया है मतलब ये सारी इनकम्स के लिए आपने कभी एड्स नहीं चलाए हैं ये सब ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग से आप कर रहे हैं ऑर्गेनिक है जो कि हमारा एक्चुअली लोक का है, लोक नीति नीति का का पार्ट है ऑर्गेनिक यस जी 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 और ये इनकम्स की वजह से अब आपकी लाइफ आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्टेबल हो रही है हाँ, अब थोड़ी सी स्टेबल हो रही है और अगले, अगले महीने में हम एक थोड़ा मतलब एक एजेंसी टाइप का काम करेंगे जिसमें दो लोगों को रखेंगे और इस टाइप का काम थोड़ा शुरू करना चाहते हैं यानी पिछले फेबर में आपने डिजिटल आजादी को ज्वाइन किया yes, और अभी हम फेबर में बैठे हैं एक साल बाद और आज yes, आप बात sir, कर रहे yeah. हैं कि आप दो लोगों को और जॉब देना चाहते हैं एजेंसी बनाना yes, चाहते हैं दिस इज माइंड ब्लोइंग विवेक जी माइंड ब्लोइंग विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे कोर्सेस के बारे में या हमारे जो डिजिटल आजादी का परिवार है जो इतना बड़ा हो चुका है yes, मुझे दो तीन सबसे अच्छी चीजें बताइए जो आपको अच्छी लगी सर बहुत अच्छा लगा कि रोड मैप बहुत अच्छी दिया जी कोई कंपनी अगर स्टेबल होता है तो उसके लिए दो साल चार साल का रोड मैप तैयार करना पड़ता है सही है तो जितने भी स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं डिजिटल आजादी में आ रहे हैं तो उनके लिए आप रोड मैप बहुत अच्छा बनाती है सही उस रोड मैप को फॉलो करिए तो करीबन दो साल तीन साल आपको है ना नया कुछ कंसेप्ट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ओके okay. तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को या उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी से एक विनती है रोड मैप बहुत काफी क्लियर है उसी रोड मैप पे आप काम कीजिए उसको बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट कीजिए इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपकी अर्निंग काफी तेजी से होने लगेगी डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा टाइम लगता है टाइम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा फिर आप कहा लेकिन ऐसे अर्निंग आने लगेगी तो आप सोच भी नहीं सकते सब तरीके से सभी डायरेक्शन से इनकम आने लगेगा थोड़ा सब्र कीजिए और उस पर कंटेंट पे काम कीजिए थोड़ा अच्छा से काम कीजिए पैसेंस रखिए बहुत बहुत ही आ, सही बात कही है आपने विवेक जी मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि लर्न इम्प्लीमेंट और अर्न ये फॉर्मूला वर्क होता है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी से पेशेंस की जरूरत है थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है अपने मन को काबू करने की अपने माइंड को सही रखने की यासे अगर यासे। ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो ये जो रोड मैप हमने बनाया हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जहां आप बहुत बेसिक डिजिटल मार्केटिंग से शुरू करते हैं ऑर्गेनिक सीखते हैं इनऑर्गेनिक सीखते हैं और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे करियर ऑप्शन है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप पैसा ना कमाएं विवेक जी आपसे बात करके हमें बहुत बहुत आनंद हुआ ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ये सब कुछ सीखकर कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं You are an action -taker. और आपके इस इंप्लीमेंटेशन की वजह से आज डिजिटल आजादी की तरफ से मैं आपको हमारा सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा हूं जो अगले तीन चार दिनों में आप आपको कुरियर, के साथ मिल जाएगा, तो कुरियर कर देंगे हम आपको थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक जी जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सीखकर यूज करके हम सब आसानी से अपने लिए पैसे कमाने के अलग अलग जरिए पैदा कर सकते हैं विवेक जी जो दरभंगा बिहार से हैं, एक ऐसा इलाका जो पता नहीं कौन से एक कोने में है लेकिन वहां बैठकर अगर वो घर से कनाडा के लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज लेने तक रुकने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा एक फ्री कोर्स दे रहा हूं जिसका नाम है सुनीति ये कोर्स आप लीजिए और सीखना पहले शुरू कीजिए जैसे जैसे आप सीखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं गारंटी देता हूं कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाए साथ में अगर आप विवेक जी से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं एसओ कराना चाहते हैं कॉन्टेंट लिखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में विवेक जी का ईमेल आईडी भी दे रहा हूं विवेक जी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस परिवार से आने वाले जो भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आप उन्हें अच्छे से हैंडल करेंगे सर्विस देंगे और इससे हम सबका फायदा होगा तो विवेक जी थैंक यू सो मच और ये एक डिजिटल आजादी की और एक खासियत है कि जो भी सीनियर स्टूडेंट्स है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आज इनर सर्कल में नए स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं मदद करते हैं अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में ज्ञान देते हैं कि जिससे इम्प्लीमेंटेशन सबका बहुत जल्दी होना शुरू हो जाए थैंक यू विवेक जी आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश हुई आप समय देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी काफी थैंक यू थैंक यू वेलकम